गर्मियों में जो हम मटकी पानी के लिए यूज़ करते हैं वो जब ख़राब हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं उन मटकियों को थोड़ा अलग लुक देकर अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करूँगी। तो वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मीशो से मैंने ये प्लांट स्टैंड मंगवाए थे और ये वाकई बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और ये मैंने अपने लिविंग रूम के लिए मंगवाई है क्योंकि मुझे अपने लिविंग रूम का थोड़ा लुक चेंज करना था और वहाँ थोड़े और प्लांट ऐड करने थे। अगर आप भी अपने रूम का थोड़ा लुक चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह का स्टैंड खरीद सकते हैं, लेकिन ये मुझे मीशो में थोड़ा सस्ता पड़ा। इसके दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, आपको खुद से इसे सेट करना होता है। इसको मैं अपने लिविंग रूम के डोर के पास रखूँगी, मुझे ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरे पास जो भी प्लांट है उसी से मैं इस पे रख के डेकोरेट करूँगी। इस स्टैंड को रखने के बाद मेरा लिविंग रूम का पूरा लुक चेंज हो गया है। और मेरे पास ये दो मटकी है जो कि काफ़ी पुराने हैं और रखे पड़े थे, तो सोचा क्यों ना इसे थोड़ा डेकोरेट करके अपने रूम को डेकोरेट किया जाए। तो इसके जो ये टैप है ना, पहले मैं इसे काट के हटा दूँगी। और आप चाहें तो इसके होल को क्ले से बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि मुझे बाद में इसमें प्लांट लगाने हैं। और सबसे पहले मैं इन मटकियों को कलर कर लूँगी। तो मेरे पास ये वॉल पेंट था, मैं उसी से कलर कर रही हूँ। और ये पेंट सूख रहे थे तो मैंने कुछ दूसरा पेंट बाय नहीं करा, मैं इसी से कलर कर रही हूँ। और जो भी DIY करूँ डुक्कू के बिना तो वो अधूरा है। और कुछ भी मैं जब कलर करती हूँ तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे भी कलर करने को मिलता है। और ब्रश से कलर करने के बाद मुझे मटकी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाद में मैंने फिर स्पंज से इसे दूसरा कोट कलर किया है। और ये एक मेकअप स्पंज है, उसी से मैं कर रही हूँ। और मैं दूसरी मटकी को रेड कलर कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और मटकी में जो भी कलर यूज़ करें वो वॉल पेंट करें या फिर ऑयल पेंट करें, एक्रेलिक कलर ना करें, क्योंकि बाद में फिर एक्रेलिक कलर करने से आप धूप में इसे नहीं रख सकते, और अगर रखेंगे तो उसके कलर बहुत जल्दी चले जाते हैं। और अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं तो बाद में उस पर वर्निश ज़रूर लगाइए, जिससे हमारा DIY लंबे टाइम तक ठीक रहता है। दोनों मटकी को कलर कर लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह ड्राई होने के लिए एक दिन के लिए छोड़ देंगे। और मटकियां अब सूख गई है, तो अब मैं इसमें थोड़ा डेकोरेट करूंगी। तो जो येलो वाला मटकी है मैं उसे मिरर से डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि मिरर वाला डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको मिरर से डेकोरेट करूँगी। और इन मटकियों पे मैं जो भी डिज़ाइन कर रही हूँ बहुत ही सिंपल है, और मैं मिरर से हाफ फ्लावर बना रही हूँ।
हर एक जैसा लगे इसका आपको ध्यान थोड़ा रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं स्केल से मेज़रमेंट करके उसके बाद ही मिरर को लगा रही हूँ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरीके का घर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। और ये मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो इसमें मैं कुछ और मिरर ऐड कर रही हूँ। और फ्लावर भी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो इसमें कुछ और मिरर ऐड कर रही हूँ जिससे कि ये और अच्छा लगेगा। और इस मटकी पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, इस पे पहले से ही डिज़ाइन बना हुआ है तो बस मैं इसे ही हाईलाइट कर दूँगी। और येलो मटकी को भी मैं थोड़ा कलर से डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। और हमारा दोनों मटकियाँ रेडी है, तो आप अपने पसंद का कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। और मैं इसमें एक फ्लावर प्लांट बस ऐसे ही रखी हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, अभी मैं इसमें लगाई नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है। और दूसरी मटकी में मैं ये आर्टिफिशियल क्रीपर लगाई हूँ। आप इसी तरीके से बेल वाली जो भी प्लांट होती है ना, आप इसमें ऐसे ही लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बाद में इसमें ऐसे ही लगाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।